नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अखिल यादव और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति। तो भारतीय कला और संस्कृति के वीडियो सीरीज में ये वीडियो नंबर कौन सा है? 5। इससे पहले कितने वीडियो नोट डल चुके? 4। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए। तो चलिए, इसमें हम बात करेंगे मौर्योत्तर कला की, स्थापत्य की, मौर्योत्तर कला में स्थापत्य कला की। देखिए, मौर्योत्तर क्या है? मौर्यों के बाद और गुप्तों से पहले जो समय है, उस समय में जो शासक हुए, उन्होंने जो निर्माण करवाया, उसका हम इसके अंदर अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, मौर्यों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंश पनप गए। ठीक है, मौर्यों के बाद की बात कर रहे हैं, गुप्तों से पहले की बात कर रहे हैं। वो राजवंश उत्तर और दक्षिण में फैले हुए थे। अब देखिए, ये उत्तर में बात करें तो मुख्य राजवंश थे शुंग, कण्व, कुषाण और शक। शुंग, कण्व, कुषाण और शक, ये उत्तरी राजवंश थे मौर्यों के पतन के बाद। ठीक है, ये पनप गए, इनका उद्भव हुआ। और वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतया सातवाहन वंश, इक्ष्वाकु वंश, आभीर और वाकाटक, ये कुछ वंश दक्षिणी भारत में पनप गए। ये राजवंश थे, छोटे छोटे इनके क्षेत्र थे। मौर्यों के पतन के बाद में इन्होंने अपना प्रभुत्व बनाना शुरू किया। ठीक है, और फिर इन्होंने अपना योगदान भी दिया। शैव, वैष्णव व ब्राह्मण संप्रदायों का भी उद्भव यहाँ पे दिखने लगा। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय, इनका भी उद्भव इस काल के अंदर देखने को मिला। गुफा व स्तूप निर्माण जारी रहे, जो कि मौर्यों के अंदर जारी थे, वो यहाँ पे भी गुफा और स्तूप निर्माण जारी रहे। वही पहाड़ों को काटकर, शिलाओं को काटकर गुफाओं का निर्माण यहाँ पे जारी रहा। मूर्तिकला की विभिन्न शैलियों का यहाँ पे उद्भव हुआ। एज इट इज स्तूप का निर्माण, गुफा का निर्माण चल रहा था मौर्यों से ही जैसा आ रहा था, बल्कि यहाँ पे परिवर्तन थोड़ा सा ये है कि मूर्तिकला की कुछ शैलियों का यहाँ पर उद्भव हुआ। मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ठीक है, मूर्तिकला मतलब काफी विकसित हुई इस काल के अंदर, मौर्योत्तर काल में, और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। स्थापत्य कला की बात करें मौर्योत्तर काल में, तो गुफाओं में दो प्रकार का विकास यहाँ पे दिखा, एक तो चैत्य, दूसरा विहार। गुफाओं में दो प्रकार का विकास यहाँ पे दिखा, एक तो चैत्य, दूसरा विहार। विहार शब्द हमने पहले भी पढ़ चुके, अब हम चैत्य को और देख लेते हैं, विहार और चैत्य में क्या फर्क है। देखिए, विहार क्या है? बौद्ध व जैन भिक्षुओं के आवासीय कक्ष जो मौर्य साम्राज्य से बनते आ रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के भी, जैन धर्म के भी जो भिक्षु हैं, उनके आवासीय कक्ष हैं जो मौर्य साम्राज्य से भी बनते आ रहे हैं। वही इसमें मुख्यतया चैत्यों का निर्माण हुआ मौर्योत्तर काल में। इस अवधि में चैत्य कक्षों का विकास हुआ। ये समतल चतुष्कोणीय और प्रार्थना कक्ष थे। ये समतल चतुष्कोणीय और प्रार्थना कक्ष के रूप में विकसित हुए। मुख्य है कार्ले का चैत्य हाल और अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कुल कितनी हैं? 29। तो देखिए, इसके अंदर विहार की बात करें 25 हैं, जिसमें बौद्ध व जैन के भिक्षुओं के आवासीय स्थल थे 25 कक्षों में। तो वहीं चार की बात करें तो चार चैत्य स्थल हैं, कक्ष हैं, जहां पर प्रार्थना के रूप में उनको, प्रार्थना कक्ष के रूप में उनका प्रयोग किया जाता था। ये समतल होते थे, चतुष्कोणीय होते थे और प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। तो चैत्य और विहार दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उदयगिरी में 18 व खंडगिरी में 15 गुफाएं मिली हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में यहां पर 15 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कलिंग राजा खारवेल के अधीन इनका निर्माण हुआ था। इन गुफाओं का उदयगिरी और खंडगिरी की, उदयगिरी में और खंडगिरी में जो ये गुफाएं हैं, इनका निर्माण कलिंग के राजा खारवेल के शासनकाल में हुआ था। वर्तमान में ये भुवनेश्वर के निकट है, भुवनेश्वर उड़ीसा। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये उड़ीसा के अंदर है, अब भुवनेश्वर उड़ीसा। और हाथी गुम्फा अभिलेख की जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी। यहाँ पे हर एक चीज़ ध्यान देने की है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, कर लिया करें, क्योंकि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, इसकी लिपि कौन सी है पूछा जा सकता है। ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। नेक्स्ट देखिए,
यह अभिलेख राजा खारवेल के अभियानों पर प्रकाश डालता है। तो राजा खारवेल के जो अभियान हुए उन पर प्रकाश कौन सा अभिलेख डालता है? हाथी गुंफा अभिलेख। दूसरा अभिलेख है रानी गुंफा का अभिलेख, ये भी उदयगिरी में है। ये दो मंजिली है। कैसा अभिलेख है? दो मंजिली। इसमें कुछ सुंदर मूर्तियां भी बनी हैं या मिली हैं। इस काल में यानी मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल व अलंकृत होते चले गए। भाई मौर्य काल में भी स्तूप बनने शुरू हो गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्तूपों का आकार बड़ा होने लग गया और उनमें कुछ सुंदरता का कार्य किया जाने लगा। लकड़ी व ईंट के जगह पत्थर का प्रयोग होने लगा। जैसे मौर्यों में मोस्टली लकड़ी का प्रयोग होता था और ईंटों का प्रयोग होता था, यहाँ पे लकड़ी और ईंटों की जगह पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा, उनको और मजबूती दी गई। अलंकृत प्रवेश द्वार के रूप में तोरण का निर्माण होने लगा। ये शुंग राजवंश से शुरू हुआ। ठीक है, तो अलंकृत प्रवेश द्वार में तोरण का निर्माण होने लगा। देखिए तोरण जो शब्द है ना, इसको हम एक विवाह की जो रस्म होती है उससे समझ सकते हैं। जब वर अपने वधू पक्ष के घर पर पहुंचता है विवाह वाले दिन, उस दिन उनका जो घर होता है वहां पर उससे कुछ भी लकड़ी या फिर पेड़ की डाली से अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार उससे वहां पे चोट मरवाई जाती है। वो जो जिस चीज को मारता है ना, वो कहते हैं वो तोरण। तो तोरण एक तरीके से वो प्रवेश द्वार ही होता है। ठीक है, वहां पे वो बताता है कि हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। ऐसा आप एक सरल भाषा में समझने के लिए इस बात को देख सकते हैं। वहीं देखिए, अब सांची के स्तूप में भी तोरण का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे हमने सांची के स्तूप को आपको दिखाने की एक छोटी सी कोशिश की है। देखिए सांची का स्तूप इस प्रकार से बना हुआ था, ये पूर्वी तोरण और ये पश्चिमी तोरण। ठीक है, ये प्रदक्षिणा पथ की हमने पिछले वीडियो नोट में बात की थी, जिसके अंदर जो जो भी अनुयायी होते हैं, जो भी मानने वाले होते हैं, वो इसकी क्या करते थे, परिक्रमा करते थे। एक तरीके से पूजा अर्चना के रूप में इस स्तूपों की परिक्रमा करते थे। ये गुंबद हैं, ये और भी विशाल होते गए। गुंबद के ऊपर ये जो संरचना है हर्मिका होती थी, ऊपर ही ऊपर छत्र होता था, फिर यष्टि हर्मिका। देखिए ये क्रम थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, पूछा तो नहीं जाता है लेकिन कई बार टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऊपर से देखेंगे तो छत्र, यष्टि, हर्मिका। ठीक है, फिर ये पूर्वी तोरण पश्चिमी तोरण हो गए और ये प्रदक्षिणा पथ हमने बता दिया। और रास्ता दोनों तरफ से, इधर से भी सीढ़ियां चढ़ती थी, इधर से भी सीढ़ियां चढ़ती थी, इस प्रकार का रास्ता होता था। ठीक है, और ये पत्थर की यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्थान दिख रहा है, ये पत्थरों से बनी हुई एक बाउंड्री होती है एक तरीके से। तो ये स्तूप की क्या है, संरचना, जो हमने आपको सरल तरीके से दिखाने की कोशिश की है। वीडियो नोट को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।